उस प्रोग्राम में आप भाग लेने के लिए आए हैं, तो कहाँ से आए हैं? ये हम उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दक्षिण राजस्थान से डूंगरपुर जिले से आए हुए हैं, जहाँ हम आदिवासी संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। आते हैं दुनिया भर से लोग जनजाति समुदाय के। आपकी थोड़ा संस्कृति के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें। ये आदिवासी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व में मानवता का एक परिचय देती है, प्रकृति संरक्षण को अपना मैसेज देती है और प्रकृति को बचाने के लिए कर एक जुट है, और उसी के मुद्दे को लेकर ये आदिवासी एकता परिषद का महासम्मेलन हो रहा है, प्रतिवर्ष होता है और एक तीन दिवसीय प्रोग्राम हो चुका है आज इस वर्ष से। अभी तक कितने प्रोग्राम हो चुके हैं? अब तक तो 25 प्रोग्राम हो चुके हैं, या इस वर्ष 26वां प्रोग्राम हो रहा है, और जिसमें हम पूरे देश विदेश से लाखों की संख्या में आदिवासी भाई बंधु जुटेंगे। राजस्थान से और डूंगरपुर से कितने लोग आए हैं? लगभग 15,000 से 20,000 लोग डूंगरपुर से आए हुए हैं, और पूरे राजस्थान से, राजस्थानी प्रदेश, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, अभी रात को मुनैना हुआ था साथियों से, जयपुर, टोंक, भरतपुर और सवाईमाधोपुर के बच्चे भी पहुँचे थे। इस प्रकार से मान लगभग 30,000 से 35,000 लोग राजस्थान के उदयपुर संभाग से आए हुए हैं, और अदर संभाग से 5,000 से 4,000 लोग पधारे हुए हैं। क्या राजस्थान सरकार ने आपके लिए किसी प्रकार की सुविधा करी है? आप अपने निजी खर्चे से आए? प्रतिवर्ष हम निजी खर्चे से जाते हैं, लेकिन इस बार हम राजस्थान सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे कि राजस्थान सरकार ने कि हम जनजाति समुदाय के लिए एक प्रति गाँव में लोगों के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था करी, निजी बसों की व्यवस्था करी है। उस आधार पर हम लगभग 25 से 30 बसें लेकर राजस्थान सरकार की ओर से आए।
यूनेस्को के इंडिजिनस लैंग्वेजेस के, एशिया के मुखिया निकोलस बारला जी, आदिवासी एकता परिषद के का अध्यक्ष मंडल, आदिवासी एकता परिषद में इस महासम्मेलन में आए हुए राजनयिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक मुखिया बैठे।